कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। कतर का दावा है कि इन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों ने इजराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। कतर मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला एकमात्र देश है। कतर के भारत के साथ भी अच्छे संबंध हैं। 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा क्यों सुनाई है, यह सुनने के बाद भारतीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है और उनका एक्शन क्या हुआ है, जानेंगे पूरी खबर। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूर्ण जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवाद समर्थक रवैये के कारण बदनाम है। ये एक ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। ये दूसरे मुस्लिम देशों के विपरीत आतंकवादी समूहों में शिया या सुन्नी का भी भेदभाव नहीं करता है। कतर से दान पाने की योग्यता सिर्फ मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में महारत रखना है। अब इस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है। कतर में ये अधिकारी अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते थे। इजराइल और कतर कट्टर दुश्मन हैं। इस कारण ही कतर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। कतर पूरी दुनिया के आतंकवादी समूहों का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। ये दुनिया के लगभग हर आतंकी समूह को पैसा बांटता है। इसमें हमास, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी समूह शामिल हैं। कतर लगातार इन आतंकी समूहों को पैसा देता रहता है। इसका प्रमुख कारण इस्लामी दुनिया में खुद को सबसे बड़ा आका घोषित कराना है। कतर की सऊदी अरब के साथ पुरानी दुश्मनी है। सऊदी को इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। कतर को इसी बात से चिढ़ है, इस कारण वह आतंकी समूहों को पैसे देने से भी बाज नहीं आता है। और कतर यह सोचता है, यदि हम आतंकवादी संगठनों को पैसा मुहैया करेंगे, वक्त वक्त पर उनको हथियार और अन्य जरूरत की चीजों को देते रहेंगे, तो उन आतंकवादी संगठनों के ऊपर इनका आधिपत्य हो जाएगा। इसके बाद यह मुस्लिम संगठन के ऊपर सबसे बड़ा ताकत वाला देश साबित हो जाएगा। कतर का विरोध क्यों नहीं कर पाती दुनिया, अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि कतर आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक है। इसके बावजूद कोई भी देश उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। इसका सबसे बड़ा कारण कतर की भौगोलिक स्थिति और उसके जमीन के नीचे दबा अरबों खरबों रुपए की गैस है। कतर आकार में बहुत छोटा देश है, लेकिन इसका विदेशी मुद्रा भंडार 464.6 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। कतर अपने गैस को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। इस कारण अमेरिका चाह कर भी कतर का खुलकर विरोध नहीं कर पाता। अगर कोई देश विरोध करता भी है तो उसे अमेरिका अपने ताकत के दम पर चुप करा देता है। कतर के भारत के साथ कैसे हैं संबंध? कतर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी में 6.5 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यह पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। भारत का दोहा में एक दूतावास है, जबकि कतर नई दिल्ली में एक दूतावास और मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास रखता है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। मार्च 2015 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौता झांपनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली का समझौता भी किया था। दोस्तों, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार कतर किस बात का इतना घमंड करता है, वह लोगों को इतनी आसानी से मौत की सजा कैसे सुना देता है। आपको बता दें कि कतर एकमात्र ऐसा देश है जहां से पूरे विश्व को गैस और नेचुरल वस्तुओं का भंडार है। इसी कारण कतर को अपने आप पर घमंड है।
इसके उपरांत यदि वहां पर कार्य कर रहे किसी भी कर्मचारी के ऊपर उन्हें यदि शक हो जाता है तो इसी के मद्देनजर में बिना जांच पड़ताल किए हुए अपने शक के आधार पर ही उन्हें सजा सुना दिया जाता है। और कतर के प्रिंस को ऐसा सूचना मिला है कि भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक जो कि कतर के मेयन ब्रांच में कार्यरत थे, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह लोग गुप्तचर हैं और उनकी बातों को उनके दुश्मन देश को भेज रहे हैं। जिसके बाद कतर के प्रिंस ने भारत के 8 पूर्व नेवी के सैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। लेकिन उनका सजा सुनाना तो आसान है, लेकिन सजा दे पाना इतना ही कठिन है, क्योंकि भारत सरकार ने रच दिया है एक जबरदस्त चक्रव्यूह। भारत सरकार ने इन 8 नेवी कर्मचारियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जी हाँ, यही इंटरनेशनल कोर्ट है जहां से पाकिस्तान में फंसे एक भारतीय को निकाला गया था। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि भारत कतर में उपस्थित 8 पूर्व सैनिकों के फांसी को भी टाल सकता है और उन्हें रिहा करवा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसके बाद कतर को जब यह खबर पता लगा तो वह पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि कतर के प्रिंस का ऐसा मानना है कि भारत इजराइल व अन्य देशों को सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण बौखलाए कतर ने 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। इधर भारत सरकार ने भी अपना जाल फेंक दिया है और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि भारत में मनाया जाने वाला गैस अब कतर से नहीं आएगा, कतर की सभी वस्तुओं को बहिष्कृत किया जाएगा और अब भारत में गैस दक्षिण अफ्रीका व सऊदी अरब से लाया जाएगा। इसके बाद कतर को $5 अरब का नुकसान भुगतना पड़ेगा। कतर के प्रिंस ने ऐसा बर्ताव भारत की ओर से देखते हुए अपना हाथ पाकिस्तान और चीन की ओर बढ़ा दिया है और कतर के प्रिंस ने चीन के साथ एक असाइनमेंट साइन किया है। इसके बाद अब चीन और कतर दोनों ही आपस में अपने वस्तुओं का लेन देन करना शुरू कर देंगे। जो वस्तुएं भारत से कतर में जाती थी, अब वह वस्तुएं चीन से कतर में जाएगी। वहीं पर जो वस्तु कतर से भारत में आया करती थी, यानी कि गैस, वह अब कतर से चीन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त भारत और कतर के बीच मनमुटाव देखा जा सकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शक के आधार पर किसी को भी सजा देना जायज नहीं होता है और भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी देश के छक्के छुड़ाने में दम रखता है, और वह भी उस जगह जहां पर भारत की गलती भी नहीं है। हाँ दोस्तों, यदि आप भारत के सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, तथा चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिलता ही रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।